कभी ना कभी हर दिल में ये ख्याल आता है कि अगर मैं एक स्टार होता तो क्या होता। वीडियोकॉन D2H आईफा वीकेंड ने इसी ख्याल को पूरा किया। टोरंटो में हमने एक पूरा दिन बिताया सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ। कैन यू बिलीव दैट? अब चलिए आप भी बिता सकते हैं एक किंग साइज दिन बॉलीवुड के बादशाह के साथ। किंग खान सुबह 7:05 पर टोरंटो एयरपोर्ट पर उतरे। मैं आपका स्वागत करने आई हूँ यहाँ पर वीडियोकॉन D2H आईफा वीकेंड में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टोरंटो में। हाउ यू फीलिंग? कैसी थी आपकी एयर इंडिया की फ्लाइट? बहुत अच्छी। आई थिंक एयर इंडिया आई थिंक इज द बेस्ट फ्लाइट इन द वर्ल्ड। आई रियली लव देम बिकॉज़ दे आर वेरी काइंड एंड स्वीट एंड बीइंग इट हियर एट आईफा द वीडियोकॉन आईफा अवार्ड्स इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। आई हैव बीन टू टोरंटो आल्सो। आई हैव नॉट परफॉर्मड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अनफॉर्चूनेटली आई हैव अ ब्रोकन नी, अ फ्रैक्चर्ड नी, सो आई हैव बीन अ लिटिल डाउन। आपके फैंस तो बहुत वर्ड है क्योंकि ट्विटर पर चले जा रही थी कि हाउ इज शाहरुख, टेल हिम टू गेट वेल सून, हाउ इज हिज नी। आई टेकन एन इंजेक्शन इनसाइड एंड देन आई हैव टू आई हैव गॉट अ फ्रैक्चर व्हिच आई डिडंट नो एंड माय लिगामेंट सो मच दैट्स अगेन। सो आई एम बेटर नाउ बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड होपफुली आई विल बी एबल टू डू समथिंग एंड यू नो मेक पीपल लाफ एंड डांस अ बिट। मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपके सारे फैंस चिल्लाए जा रहे हैं SRK SRK। और यहां पे मैंने देखा है कि टोरंटो में The fans are just absolutely crazy. I mean, they love you guys. हाँ, टोरंटो में हमेशा ही जब भी हम यहाँ पर आए हैं तो बहुत लोग प्यार करते हैं। जब भी हमने शोज यहाँ पे पहले भी किए हैं। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जाने। मुझे बहुत अच्छा लगता है टोरंटो का। मुझे वेदर भी बहुत अच्छा लगता है, हालांकि थोड़ी ठंड पड़ जाती है। सो मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं। और आई जस्ट विश मेरा घुटना ठीक होता तो मैं ज़रा आराम से मिल सकता, बट आई एम अ लिटिल पेन, बट होपफुली ऑल द लव आई विल गेट इन टोरंटो विल टेक द पेन अवे। हमारा कैमरा आपको फॉलो करने वाला है इस वीकेंड, तो आप जानते जाएंगे कि शाहरुख क्या करने वाले हैं। सुबह 8:20 पर SRK फेयरमोंट रॉयल यॉर्क होटल पहुंचे। सुबह के 10:10 पर शाहरुख गए किंगडम ऑफ ड्रीम्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने। First of all, I'd like to thank everyone put together this wonderful, wonderful property, this wonderful idea, this wonderful entertainment center in the heart of our country in New Delhi, the Kingdom of Dreams. दोपहर के 2 बजे द वन एंड ओनली शाहरुख खान पहुंचे स्टार प्लस के प्रोमो शूट पर। प्रेमिया के साथ बादशाह की मुलाकात हुई ठीक 4 बजे।
वीडियोकॉन D2H आईफा रॉक्स में किंग खान का धमाकेदार स्वागत हुआ शाम 6:30 बजे। मेरा नाम रुस्लान है सर। पहले तो इट्स एन ऑनर टू स्टैंड नेक्स्ट टू यू। मैं थोड़ा डर रहा हूँ, पर आप बिल्कुल ही रॉक स्टार हो। मुझे ये नहीं पता है कि गानों के वजह से आप शाहरुख खान हो या वो गाने हिट होते हैं क्योंकि आप उन गानों में हो। यू नो यू हैव सच अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद म्यूजिक। हिंदी फिल्मों के जितने भी गाने आप जिस गाने में होते हो वो सुपर हिट गाना होता है। एंड आज परफॉर्म करने वाले शंकर एहसान रॉय, आपने उनके साथ इतना काम किया है, तो कोई फेवरेट गाना? आई थिंक द नाइसेस्ट सॉन्ग दैट डन विद मी इज जो मेरा फेवरेट गाना है, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है जहाँ कल हो ना हो। वाह। इसके अलावा सोनू निगम, उन्होंने आपके लिए इतने गाने गाए। आई थिंक सोनू डिड हिज फर्स्ट सॉन्ग विद मी फॉर अ फिल्म कॉल्ड परदेस, दिल दीवाना दिल। वो बहुत ही खूबसूरत है और आई थिंक उनके पहले गानों में से है। सो फॉर हिम एंड फॉर मी आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉन्ग्स वी डन टुगेदर। एंड सोनू इज अ ग्रेट टैलेंट। आई मीन ही इज वन ऑफ द मोस्ट मार्वेलस सिंगर्स इन द हिस्ट्री ऑफ सिंगिंग इन इंडिया। सो आई थैंक हिम फॉर हेल्पिंग मी बिकम द स्टार दैट आई एम। एंड सर दे शुड थैंक यू आल्सो बिकॉज़ यू मेक देयर सॉन्ग्स लुक सो ब्यूटीफुल। नॉट एट ऑल, आई थिंक आई शुड बी थैंकिंग देम। Welcome on stage, none other than Shahrukh Khan. Dodger Center में rehearsal के लिए SRK आए रात 10:10। Thank you so much. I'm so happy to be here and I'm gonna meet Shahrukh. आप देख सकते हैं कि शाहरुख आपके लिए specially perform कर रहे हैं। ये तो खुद ही हमारे लिए perform कर रही है भाई। You know it. तो आप excited हैं उन्हें देखकर? बहुत, बहुत उतावली हूँ मैं। आपसे अभी आप इंट्रोड्यूस कराएंगे आपके सबसे बड़ी फैन, साइज में नहीं लेकिन एक्चुअली दिल से बहुत बड़ी है और आपसे बहुत प्यार करती है, आपसे मिलने आई है, ऑल द वे भी नहीं कह सकते लेकिन अमेरिका से आई है सर, मनीषा दास, प्लीज कम। हमारी स्टार प्लस की कॉन्टेस्ट बना रही है। ये रुकना नहीं चाहिए। मिलते रहो। इतने सारे सवाल थे आपके पास, अभी जो ऑफ स्टेज आप बोल रहे थे पूछ लीजिए। वेल एक्चुअली मेरे कायनात मेरे रीटेक सर एक वन मोर आ गया। सॉरी सॉरी, मेरा फेवरेट डायलॉग है आपकी मूवी से, अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो, अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारे कायनात तुमसे मिलाने की साजिश में कोशिश करती है, कोशिश करती है। तुम जैसा बोलो वैसा मुझे याद है। तो मेरी सारी तमन्ना पूरी हो गई है। अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। थैंक यू मनीषा, तुम मुझसे मिल गई एंड थैंक यू स्टार प्लस कि उन्होंने ये कोशिश की कि मैं तुमसे मिल सका। कैन आई गिव यू वन किस? या प्लीज, यू कैन गिव मोर देन वन बिकॉज़ वन इज नॉट इनफ। थैंक यू। दिस इज अलाउड इन फैमिली शोज ऑफ स्टार प्लस। किसिंग इज अलाउड। दिस पोर्शन सीरियल में शुरू हो चुका है। सास भी कभी बहू थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आगे देखते रहिए, मजा आने वाला है। या अमृता का रोलर कोस्टर पर बच्चों की तरह चीखना चिल्लाना। बॉबी देओल ने छोड़ी टोरंटो में पंजाबी छाप। बस थोड़ा बहुत उनको फ्लेवर दे दूं कि दही में कैसे शक्कर डाल के आप मिक्स करेंगे। अभी डिड यू नो दैट डंपिंग प्लास्टिक बैग्स इन ओशन किल्स over 100,000 sea creatures every day. I don't use plastic bags. I'm doing my bit. Are you? Panasonic, ideas for life.